उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद से एक हाई लेवल की मीटिंग करी और मीटिंग में डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ प्रमुख सचिव गृह को बुलाया और लगातार घंटों लंबी मीटिंग की। साफ तौर से कहा कि एक एक पहलू पर जांच की गई और सख्त आदेश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा कि किसी भी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और आयोग भी गठित कर दिया। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें इस पूरी खबर का, तो कोई भी उत्तर प्रदेश का मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी इस पूरे मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक हाई सिक्योरिटी जोन यानी पांच कालीदास, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहाँ और उसके अलावा डिप्टी सीएम के दोनों घरों को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और दोनों ही डिप्टी सीएम बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत तक नहीं की और ना ही कोई जवाब दिया। ऐसे में जब भी कोई मसला होता रहा है उस पर लगातार जवाब देते रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके अलावा किसी भी और मंत्री ने ना ही ट्वीट किया और ना ही कोई बात कही। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था कि कोई भी मंत्री, अधिकारी या उप मुख्यमंत्री किसी भी तरीके का कोई भी बात इस मसले पर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि आज यानी कि दूसरे दिन भी ना ही किसी अधिकारी, मंत्री और किसी भी उप मुख्यमंत्री ने कोई भी बयानबाजी की। साफ तौर से जांच हो रही है, पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से जैसे ये घटना प्रयागराज में हुई है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त नज़र आए हैं और ऐसे में उनके आदेश का फर्क भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।